रतलाम जिले की सभी तहसील रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, सेलाना, बाजनाम, रावटी, जावरा, पिपलोदा, आलोट व ताल में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। रतलाम में डरावना और रोंगटे खड़े करने वाला हत्याकांड सामने आया है। रविवार शाम को कनेरी रोड पर स्थित विंध्यवासिनी कॉलोनी में एक में फर्श के नीचे से जो निकला उसे देखकर सभी के हाथ पैर फूल गए। पुलिस ने एक महिला और 4 और 7 साल के 2 बच्चों के शव बरामद किए हैं। इन बच्चों और उनकी माँ को इन्हीं के पिता ने ही कुल्हाड़ी से मार डाला और फिर अपने ही घर में फर्श के नीचे गाड़ दिया। इसके बाद यह आदमी इसी घर में आराम से पिछले 2 महीनों से रह भी रहा था। रतलाम शहर के करीब 15 किलोमीटर दूर कनेरी रोड पर विंध्यवासिनी में एक रेलकर्मी ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर शव अपने ही घर में गड्ढा खोदकर शव गाड़ दिया था। घटना 2 महीने पुरानी है, जिसका खुलासा रविवार को हुआ। सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद पुलिस ने विंध्यवासिनी पहुंचकर गड्ढा खुदवा कर शव बाहर निकलवाए। मौके पर पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी, CSP हेमंत सिंह चौहान सहित पुलिस अधिकारी एवं बल मौजूद था। पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने बताया, आरोपी पति राजू पिता राजेश तलवाड़िया है। इसने दूसरी शादी निशा से की थी। पहली पत्नी का भी प्रकरण चल रहा है। आरोपी ने पत्नी निशा, 2 बच्चे अमन 7 और खुशी 4 की कुल्हाड़ी से हत्या कर अपने मित्र बंटी के सहयोग से ही अपने घर में गड्ढा खोद कर गाड़ दिया था। शव डिकम्पोज हो गए हैं। शव को जिला अस्पताल भिजवाया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि आरोपी और उसके मित्र को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से और भी पूछताछ की जा रही है। आरोपी घटना के बाद भी इसी घटना स्थल वाले मकान में ही रह रहा था। दरअसल लगभग 2 महीनों से वही खा पी रहा था आरोपी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह हत्या सोनू ने ही करीब 2 महीने पहले की था। सोनू रेलवे में काम करता था और निशा से उसकी दूसरी शादी थी। विवाद के बाद करीब 2 महीने पहले से पत्नी और बच्चे नहीं दिख रहे थे। वह दूसरों से बहाने बनाता रहा, जबकि हकीकत में उसने तीनों की हत्या करके अपने साथी बंटी कैथवार की मदद से गड्ढे खोदकर तीनों की लाश को घर में ही छुपा दिया था। इसी घर में रहकर खा पी भी रहा था। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस की जांच जारी है। अभी तक पुलिस ने आधिकारिक रूप से कोई भी जानकारी नहीं दी है। रीम भारतीय न्यूज। थाना DD नगर के अंतर्गत एक आज बहुत ही गंभीर घटनाक्रम प्रकाश में आया है। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी एवं 2 मासूम बच्चों की हत्या की गई है। ये सूचना प्राप्त होने पर एक उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और पुलिस के द्वारा उसमें पूछताछ में ये तथ्य सामने आए हैं कि लगभग 1.5-2 महीने पहले इसके द्वारा अपने घर पे ही अपनी पत्नी एवं 2 बच्चों की हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के लिए इसने कुल्हाड़ी का उपयोग किया था और कुल्हाड़ी से वार करने के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो इसने अपने एक मित्र को फ़ोन किया कि किस तरह से घर में ही गड्ढा करके और तीनों लाशों को दफना दिया जाए। इसके द्वारा उसमें सफलता भी प्राप्त कर ली गई थी कि इसने शांतिपूर्वक अपने मित्र की सहायता से तीनों लाशों को दफना दिया था। और लगभग जब ये गोपनीय सूत्रों से इस तरह की सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला एवं 2 बच्चे घर पर नहीं दिख रहे हैं काफ़ी समय से, तो फिर इस मामले की जांच पुलिस ने आज सुबह शुरू की और गहनता से जांच करते हुए लगभग 7-8 घंटे में इस मामले का खुलासा हुआ। और जब इस चीज़ की सूचना जब इसने स्वीकार किया और सूचना दी कि कहां पर शवों को दफनाया गया है, तो फिर वैधानिक तरीके से कार्रवाई करते हुए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, FSL अधिकारी एवं अन्य जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ जो गजेटेड ऑफिसर्स की एक टीम गठित करके थाना प्रभारी और थाना DD नगर का स्टाफ को यहाँ पर भेजते हुए जो उस स्पॉट को, जैसा कि मुलजिम ने बताया कि जहां पर उसने दफनाया होना उसके द्वारा बताया गया, उस स्थान को खोदा गया और वहां पर 3 शव बरामद हुए हैं। आगे इसमें PM रिपोर्ट्स आएंगी। PM की जो रिपोर्ट के बाद साथ में DNA एनालिसिस के बाद शिनाख्त 100% कन्फर्म होगी। परंतु अभी जो शवों के पास से शवों के पहने हुए जो कपड़े समझ में आए हैं, जो अन्य चीज़ें हैं, उससे देख के लग रहा है कि ये उसी के परिवार के जो बीवी और 2 बच्चे हैं। प्रोफाइल क्या है आरोपी? आरोपी लगभग 33-34 साल का है और ये अपने आप को रेलवे में गैंगमैन होना बता रहा है। इस चीज़ की वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। अभी उस एंगल पे पूरा वेरीफाई नहीं किया गया है, परंतु इसके द्वारा जो बताया गया है कि ये रेलवे में कार्यरत है। वजह कुछ वजह जो इसके द्वारा बताई गई है प्रारंभिक पूछताछ में, वो पारिवारिक कलह और लगातार पिछले 5-7 माह से इनके बीच में आपसी जो कलह है और झगड़ा बढ़ जाने के कारण एक तात्कालिक घटना इसके द्वारा बताया गया है। परंतु हम लोग आसपास के लोगों से भी पूछताछ करेंगे, इनके अन्य परिवारजनों से भी पूछताछ करेंगे। ये इनके द्वारा जो बताया गया है कि ये इसकी पहले भी एक शादी हो चुकी है जिससे कि वो अलग रहने लगा है और एक मेंटेनेंस का प्रकरण भी इसका चल रहा है। मेंटेनेंस इसके द्वारा दिया जाता है। इसके आरोपी के बताए अनुसार ही ये उसकी दूसरी पत्नी है जिससे उसके 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों की उम्र क्या है सर?
दोनों बच्चों की उम्र, एक बालक है जो 7 साल का था और एक बालिका है जो लगभग 3.5-4 साल की है। किस तारीख को हत्या की थी सर? तारीख के बारे में आरोपी अभी स्पेसिफिक नहीं बता पा रहा है इन्फॉर्मेशन, उसकी हम लोग डिटेल और निकालेंगे और सारी चीज़ों से स्पेसिफिक डेट तक आएंगे। अभी वर्तमान में उसके द्वारा इतनी ही जानकारी, आगे इसमें पीएम रिपोर्ट्स आएंगी, पीएम की जो रिपोर्ट के बाद साथ में डीएनए एनालिसिस के बाद शिनाख्त 100% कन्फर्म होगी, परंतु अभी जो शवों के पास से, शवों के पहने हुए जो कपड़े समझ में आए हैं, जो अन्य चीज़ें हैं उससे देख के लग रहा है कि ये उसी के परिवार के जो बीवी और दो बच्चे हैं। प्रोफाइल क्या सर आरोपी का? प्रोफाइल क्या? आरोपी लगभग 33-34 साल का है और ये अपने आप को रेलवे में गैंगमैन होना बता रहा है। इस चीज़ की वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, अभी उस एंगल पे पूरा वेरीफाई नहीं किया गया है, परंतु इसके द्वारा जो बताया गया है कि ये रेलवे में कार्यरत है। वजह कुछ वजह जो इसके द्वारा बताई गई है प्रारंभिक पूछताछ में, वो पारिवारिक कलह और लगातार पिछले 5-7 माह से इनके बीच में आपसी जो कलह है और झगड़ा बढ़ जाने के कारण एक तात्कालिक घटना इसके द्वारा बताया गया है। परंतु हम लोग आसपास के लोगों से भी पूछताछ करेंगे, इनके अन्य परिवारजनों से भी पूछताछ करेंगे। ये इनके द्वारा जो बताया गया है कि ये, इसकी पहले भी एक शादी हो चुकी है जिससे कि वो अलग रहने लगा है और एक मेंटेनेंस का प्रकरण भी इसका चल रहा है, मेंटेनेंस इसके द्वारा दिया जाता है। इसके आरोपी के बताए अनुसार ही ये उसकी दूसरी पत्नी है जिससे उसके दो बच्चे हैं। दोनों बच्चों की उम्र क्या है सर? दोनों बच्चों की उम्र, एक बालक है जो 7 साल का था और एक बालिका है जो लगभग 3.5-4 साल की है। किस तारीख को हत्या की थी सर? तारीख के बारे में आरोपी अभी स्पेसिफिक नहीं बता पा रहा है इन्फॉर्मेशन, उसकी हम लोग डिटेल और निकालेंगे और सारी चीज़ों से स्पेसिफिक डेट तक आएंगे। अभी वर्तमान में उसके द्वारा इतनी ही जानकारी निकली है, आगे और भी इसमें गहनता से पूछताछ होगी। बात पे नॉर्मल था, वो पूरे ड्यूटी पे जाया करता था, लोगों से मिला करता था, क्या माइंडसेट क्या था और कहां से सीखा उसने? क्या ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर का केस निकल कर आया है? इनफैक्ट इसमें एक ये भी चीज़ निकल कर आई है कि आरोपी के द्वारा संभवतः, जैसा उसने स्वयं ही स्वीकार किया कि उसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम के लिए मूल रूप से अपनी पहली पत्नी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था मानसिक रूप से, और जिस कारण से वो इस प्लानिंग में भी था कि किसी तरह से पहली पत्नी से भी संपर्क हो और उस पर भी वो प्रहार कर सके या उसको भी जानलेवा हमला कर सके। प्रारंभिक पूछताछ में उसने स्वयं ही स्वीकारा है कि एक दो बार उसने ऐसा प्रयास भी किया, लेकिन अभी उसके हम लोग आगे के साक्ष्य जो हैं, उसने उस प्रयासों के लिए यदि कोई बातचीत की होगी या कभी किसी जगह गया होगा तो वह सभी चीज़ें हम लोग और डिटेल में निकालेंगे। ये सभी प्रारंभिक पूछताछ में आई हैं चीज़ें और पूरी पुलिस की जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है इसमें लगी हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी की शिनाख्त पर ही यहाँ पे उसकी निशादेही पर उस स्पॉट की खुदाई हुई थी और वहाँ से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के सामने ही ये सभी चीज़ें बरामद हुई। इसके साथी जो था, इसका जो साथी था जिसने शवों को दफनाने में और साक्ष्य छुपाने में मदद की थी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। घटना का समय क्या रहा होगा? लगभग घटना का समय सुबह 6 से 7 के बीच का बताया जा रहा है, पर आरोपी अभी दिनांक को लेकर स्पेसिफिक नहीं है। उसके बारे में हम लोग सभी आगे जो और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज हैं, अन्य भी चीज़ें हैं, उससे हम लोग मिलान करके दिनांक भी स्पेसिफिक कर लेंगे। ठीक, धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।